ठीक है भाई। देखो अब हमारा जो टॉपिक है वो था हमारा कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस में हमने पढ़ा था ये दो फॉर्मूले लास्ट क्लास के अंदर। तो अब हमें पढ़ना है, जैसे तुमने 10th क्लास के अंदर पढ़ा था ना, रेजिस्टेंस पैरेलल और सीरीज दोनों में लगते हैं, उसी तरीके से हम कैपेसिटर को भी पैरेलल और सीरीज में लगा सकते हैं। लेकिन तुमको एक बात बहुत अच्छे से पता होगी, पैरेलल और सीरीज तो ये वहां पे क्या रिलेशन बनता था जब 10th में, तो वहां पे तुमने पढ़ा था जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है, तो R equivalent is equal to R1 plus R2 plus R3 plus R4, right? लेकिन पहले बच्चों पैरेलल के अंदर ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो यहाँ पे सीरीज के अंदर क्या लगेगा, 1/C equivalent is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3, right? तो और सेम पैरेलल के लिए वहां पे क्या था, जो वहां पे था वो यहाँ पे सीरीज के लिए लग रहा है। तो अब देखो करते हैं, चलो स्टार्ट करते हैं अपना। देखो जैसे मान लो मेरे पास ये इस तरीके से कैपेसिटर में दे रखा है, अच्छा सीरीज के अंदर क्या चीज सेम रहती है बताओ। होगा क्यू, करंट क्यों, चार्ज अच्छा क्यू क्यू, चार्ज अच्छा मुझे लगा बोलिए क्यों, अरे ठीक है। तो सर चार्ज का मतलब क्या होता है हमारे पास, करंट, तो बिल्कुल सही बोल रही है, यस। तो एक सेकेंड, ठीक है भाई। तो मेरे पास ये इस तरीके से एक तुम्हें सर्किट दे रखी है, ठीक है। तो तुम्हें पता है कैपेसिटेंस जो होता है, तो कैपेसिटेंस के अंदर हमारे पास एक डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, लेकिन अभी तुम्हें उससे मतलब नहीं है। तो ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ऑफ कोर्स ही बात है, अगर इस साइड अगर मान लो टोटल चार्ज प्लस क्यू है, तो ऑफ कोर्स ही बात है इस साइड टोटल चार्ज माइनस क्यू होना चाहिए। अगर इस वाली प्लेट पे प्लस क्यू चार्ज होता है, तो इस वाली प्लेट पे माइनस क्यू होना चाहिए। मैंने करवाया था ना लास्ट क्लास में, कुछ याद आ रहा है दीक्षा? यस सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर एक साइड पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, तभी तो आपस में अट्रैक्शन होगा, ठीक है। अच्छा अब तुम्हें पता है, अगर ये पैरेलल दे रखा है पैर, तो पैरेलल क्या चीज से अलग क्या रहती है, फिर अलग क्या होती है, तो अलग होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो जब तुम 10th में तुमने ये सीखा था, देखो इसके बीच में मान लो कितना पोटेंशियल आ रहा है, मान लो V1, इसके बीच में मान लो दो पॉइंट के बीच में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो ये दो पॉइंट के बीच में मान लो कितना आ रहा है V2, यहां से लेकर यहां तक कितना पोटेंशियल है मान लो V3, और टोटल पोटेंशियल कितना है मान लो वो मैंने यहाँ पे दे रखा है, सपोज कर लो ये है मेरे पास टोटल V, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या अपने यहाँ पे, ये मेरे पास है, ओ शिट, हाँ, तो ये मेरे पास अपने आप में क्या है, टोटल पोटेंशियल दे रखा है, ठीक है भाई। अब मुझे एक बात बताओ यार, अब अगर मैं यहाँ पे V1 में तुमने फॉर्मूला पढ़ रखा है Q इज इक्वल टू CV, तो फिर Q अपॉन में C इज इक्वल टू V हो जाएगा, एम आई राइट? तो क्यू तो सेम ही है भाई, जितना क्यू सब में, क्योंकि सीरीज है, सीरीज के अंदर सारा क्यू तो सेम ही रहेगा। तो कोई बता सकता है मेरे पास V1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यस रितेश, V1 इज इक्वल टू, Q1 upon C। अच्छा क्यू हाँ अपॉन सी सर, वन भाई अच्छा चार्ज तो हाँ सॉरी, सेम है ना, हाँ सर चार सेम है सर, हाँ और ये क्यू वन कैपेसिटेंस हाँ अलग क्यू अलग है, अपॉन सी वन तो क्यू अपॉन सी वन। हाँ सर, V2 क्या हो जाएगा मेरे पास, Q अपॉन C2, भाई चार्ज सेम है, कैपेसिटेंस अलग अलग है, क्योंकि तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है। V3 कितना हो जाएगा, Q अपॉन C3, भाई इतना समझ में आ रहा है किसी को? ये तो एक छोटी क्लास के बच्चे को भी समझ में आ जाता है, ये फॉर्मूला है, चार्ज पूरा सेम है, तो जिसके लिए निकालना है उसी का तो सी लोगे, V1 के लिए C1, V2 के लिए C2, V3 के लिए C3, कोई डाउट? नो सर ठीक है। अब सीरीज के अंदर जो चीज हमने, मैंने हमेशा 10th क्लास में चिल्ला चिल्ला के बताया, हम डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो चीज अलग होती है, तो अलग कौन सी चीज है इसके अंदर, तो तुम्हें पता है पोटेंशियल अलग है, तो मैं क्या बोलूंगा, तो इसका मतलब आई कैन से दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, एम आई राइट, कैन आई से दैट? अच्छा मैं यस इस वीडियो यस को अगर सर इस साइड ले जाऊं, अगर मैं इस साइड ले जाऊं तो किसी को दिक्कत नहीं है? एक सेकेंड, यस, क्या ये वाली इस साइड वाली स्क्रीन दिख रही है सबको, इस साइड हाँ सर, हाँ ये लेफ्ट वाला पोर्शन सबको दिख रहा है? सर, हाँ हाँ सर, ठीक है ठीक है। तो ये V1 को मैं क्या लिख दूंगा, ऑफ कोर्स ही बात है Q अपॉन C1, इसको मैं लिख दूंगा Q अपॉन C2, और इसको लिख दूंगा मैं Q अपॉन C3, राइट।
तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, क्यू को कॉमन ले लूंगा, तो क्यू को कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, 1/C1 प्लस का 1/C2 प्लस का 1/C3, राइट। और इधर क्या है मेरे पास v, तो ये टोटल पोटेंशियल है v और ये चार्ज भी क्या है टोटल, अरे टोटल और हर किसी में एक ही जैसा तो है, तो इसका मतलब टोटल पोटेंशियल अपॉन में टोटल q, और ये क्या हो जाएगा 1/C1 प्लस का 1/C2, भाई मैं q को उधर लेकर आ गया बस। अच्छा टोटल v अपॉन में टोटल q क्या हो जाएगा, 1/C हो जाएगा, देखो इधर देखो q इज इक्वल टू cv होता है, राइट। तो इसका मतलब c v अपॉन q करना है, तो v अपॉन v करना है तो 1/C नहीं हो जाएगा, 1/C इज इक्वल टू v / q, am I right? Yes, sir. Q is equal to CV है, तो ये तो बनेगा 1/C is equal to V by Q, तो ये क्या हो गया मेरे पास 1/C equivalent is equal to the 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3। किसी को कोई डाउट है इस सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर? बस एक ही फॉर्मूला लगाया है यार मैंने, Q is equal to CV, मैंने कुछ किया ही नहीं है और, राइट। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। भाई आवाज देते रहो, किसी को कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। ठीक है, तो मेरे पास दो फॉर्मूले यूज करे हैं, q इज इक्वल टू cv और एक मेरे पास कौन सा वाला है, बस उसी को मैंने रीअरेंज करा है और कुछ नहीं। बस ध्यान रखना हमेशा डेरिवेशन कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो चीज अलग होती है, तो सब में पोटेंशियल क्या है अलग अलग है, इसमें कुछ पोटेंशियल है, इसमें कुछ है और उसमें कुछ। आई होप इट इज क्लियर। Yes. Can I rub this? Yes, sir. Yes, sir. Clear kar bana po. Uta liya sabne? Ha, sir. Theek hai. Ab hame kya padhna padega? Of course, parallel combination, right? तो मान लो अब तुम्हारे कैपेसिटर कैसे अरेंज हो रखे हैं आपस में, पैरेलल अरेंज हो रखे हैं। तो अच्छा कृति, यस सर। कृति एक बात बताओ, पैरेलल के अंदर क्या चीज सेम रहती है? पोटेंशियल डिफरेंस। लॉक कर ले पक्का? हाँ ठीक है। क्यों, अच्छा क्यों रहती है वैसे, क्या रीजन होगा इसका, रीजन क्या है? ऐसे याद कर रखा है तुमने 10th क्लास का, रट्टा मार रखा है? याद है सर, रट्टा थोड़ी मारा है। अच्छा याद और रट्टा में बहुत बड़ा फर्क होता है ना, जमीन आसमान का। यस, कोई बता सकता है कि पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम क्यों होता है? सर दोनों का एंड सेम है इसलिए। सर दोनों का एंड सेम है इसलिए। एंड एंड क्या होता है? मतलब दोनों मतलब सेम टर्मिनल से कनेक्टेड है, मतलब सारे कैपेसिटेंस एक ही टर्मिनल से जुड़े हुए हैं, मतलब अलग अलग, मतलब वो नहीं। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सब लोग रितेश के लिए, बिल्कुल एकदम उम्दा जवाब दिया, वेरी गुड। ये जोरदार तालियां जवाब दिया वैसे बहुत अच्छी तालियां थी। तो यस, तो देखो ये मेरे पास है C1, ये मेरे पास है C2 और ये मेरे पास है C3। पोटेंशियल डिफरेंस 2 पॉइंट का होता है, तो देखो इन तीनों कैपेसिटर का तीनों पॉइंट एक ही है, एक ही पॉइंट से ये कनेक्टेड है, ये भी एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, तो जब पॉइंट सबका सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो सेम ही रहेगा। इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल है वो मान लो कितना है, v, तो भाई सबके बीच में v तो रहेगा, इसमें भी v रहेगा, इसमें भी v रहेगा, फिर इसमें भी v रहेगा, am I right? नहीं समझ में आया? हां सर बेशरम ताली भी नहीं बजा रहे कोई। ये C1 जो है, ये C1 एक पोर्शन ये है इससे कनेक्टेड है और एक इससे कनेक्टेड है, am I right? Am I right? Yes sir, yes sir. अच्छा और C2 जिससे connected है क्या वो यही point है या अलग point है? यही point है sir. यही वाला point है right? C1 और C2 और C3 ये तीनों के तीनों इन्हीं दो point से connected है right? जिसमें मैंने star लगा रखा है। हाँ हाँ हाँ। तो ये जिसमें मैंने star लगा रखा है तो उनके बीच में जो potential है ना वो कितने का है मेरे पास? V का है। ये जो star point लगा रखा है मैंने इनके बीच में V potential है।
तो ये सारे के सारे भी तो उसी पॉइंट से कनेक्टेड, तो इन सब में भी तो v रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। तो अब उसके बीच में तो कितनी भी तार जोड़ दे भाई, सब में पोटेंशियल v ही रहेगा। ठीक है, v रहेगा। गॉट इट एवरीबॉडी? जैसे बताइए कौन सी वाली बात है। देखो मुझे एक बात बताओ, ये एक नदी जा रही है, ठीक है, एक नदी जा रही है, और इस नदी को पार करने के लिए कितने रुपए है? 20 रुपए है। मान लो कृति है, कृति कह रही है आओ आओ नदी पार करो 20 रुपए में, 20 रुपए में, 20 रुपए में। तो लोग आ रहे हैं कि कृति मेरे को नदी पार करनी है, तो इसने क्या किया, तो लोगों ने क्या करा, कृति को 20 रुपए दिए और कृति ने एकदम पार करा दी, बाहुबली तो जीना होगा इस तरीके से। लेकिन एक बच्चा है वो बड़ा चलाक था, उसका नाम है खुश, ठीक है। तो खुश कह रहा मैं तो नहीं दूंगा 20 रुपए, मैं तो ऐसे चले जाऊंगा, यहाँ से सस्ता पड़ेगा। भाई मुझे एक बात बताओ, पूरी की पूरी नदी की लेंथ यही है, तो चाहे कहीं से भी जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, तो डिस्टेंस उतना ही रहेगा या ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा? सर डिस्टेंस का उतना ही रहेगा, सर उतना ही रहेगा। इसका मतलब अगर बात की जाएगी यहाँ पे, तो भाई पैसे तो 20 रुपए लग रहे हैं, तो टेढ़ा जाएगा। हाँ कोई बात नहीं, तो चाहे यहाँ से जाओ, चाहे यहाँ से जाओ, चाहे यहाँ से जाओ, 20 रुपए लगने ही हैं, क्योंकि नाव सिर्फ गौरव था ना। तो ये वाली बात है, दो पॉइंट के बीच में जितना है, चाहे तुम कहीं से भी चले जाओ, पोटेंशियल उतना ही रहेगा। बताओ कैसे कैसे एग्जाम्पल लेने पड़ते हैं, श्रम आ जाती है। सर ये वाला जो है सर वो, हाँ हाँ बोलो, बोलू। हाँ, हाँ? सर ये वाला जो है सर वो पैरेलल कैपेसिटर है ना। हाँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और सर इससे ऊपर वाला जो है वो सीरीज कैपेसिटर है। हमारे सर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ही है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मैंने पैरेलल में लगा रखे है। और सर जो इससे पहले कराया था वो सर सीरीज कैपेसिटर था। नहीं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब होता है ये पैरेलल प्लेट है, दो प्लेट पैरेलल में कैपेसिटर की, लेकिन वो कनेक्टेड सीरीज में था। जिस जैसे ज्वाइन कर रहे हैं उनको, जैसे सीरीज में ज्वाइन कर रहे हैं वो वाला। हाँ हाँ हाँ, कनेक्शन सीरीज में था। तुम्हारी क्लास मिस हो गई ना, इसलिए तुम्हें ऐसी दिक्कत आ रही है, वरना दिक्कत आती नहीं। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। देखो ये क्या है मेरे पास, क्यू मान लो, इस पे कितना चार्ज है, इसने कितना चार्ज स्टोर कर रखा है Q1, मान लो इसने कितना चार्ज कर रखा है Q2, इसने कितना कर रखा है Q3। क्यों ये अलग अलग क्यों है? क्योंकि तुम सबको पता है कि अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो ऑफकोर्स ही बात है चार्ज तो अलग अलग होना ही है, राइट? अच्छा तो अच्छा, सबको वीडियो दिख रही है ना मेरी? यस सर, बहुत प्यारे लग रहे हो सर आप। आई नो, थैंक यू सो मच। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, अब जो ये मेरे पास है, क्या कहते हैं, ये जो चार्ज अलग अलग है मेरे पास, तो हम डेरिवेशन किससे स्टार्ट करेंगे, पोटेंशियल से स्टार्ट करेंगे या चार्ज से स्टार्ट करेंगे? श्रेया, चार्ज से। चार्ज से, चार्ज से, क्योंकि जो चीज अलग होती है हमेशा वहीं से स्टार्ट करते हैं, चार्ज अलग है। तो देखो यहाँ पे मान लो टोटल चार्ज होगा क्यू, अब वो डिवाइड हो गया तीन में, तो कहना ही सही है टोटल चार्ज इज इक्वल टू लेकिन वी तो सेम है। इसी तरीके से मैं क्यू थ्री की बात करूंगा तो वो क्या हो जाएगा C3V, am I right? Yes, sir, correct. तो यही अब इसके अंदर पुट करना है हमें, तो बस सारी वैल्यू पुट करो इसके अंदर। Q1 की वैल्यू क्या है? C1V। Q2 की वैल्यू क्या है? C2V। Q3 की वैल्यू क्या है? C3V। तो इस बार पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम ही है, पैरेलल का था, कॉमन ले लो, C1 प्लस का C2 प्लस का C3 हो जाएगा, राइट? तो अब V को उधर ले जाओ तो Q अपॉन V आ जाएगा। अच्छा Q अपॉन V किसके बराबर होगा, कोई बता सकता है? C के। Yes, Q अपॉन V क्या होगा? C के बराबर हो जाएगा। तो ये भी टोटल था और ये भी टोटल है, तो टोटल अपॉन टोटल टोटली तो आएगा, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का वाला टोटल। So C equivalent is equal to C1 plus C2 plus C3. Is that clear to everybody? इसका मतलब जो चीज तुमने 10th के अंदर सीरीज के लिए निकाली थी वो यहाँ पे पैरेलल के लिए लग रही है। Got it everybody? कोई है ऐसा बच्चा जो कर रहा है? Oh my God, what a fair? क्या? सर गौरव। अच्छा तुम गौरव को जानते हो? Yes sir, बहुत अच्छा दोस्त है सर मेरा। अच्छा तुम्हारे सारे बड़े दोस्त हैं, ठीक है चलो। सर मेरे yes. सर मेरे बगल वाले टावर में रहता, पकड़ के ले आऊं सर, अभी बताओ। अच्छा अच्छा ठीक है चलो भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? क्लास में गौरव तो आया ही नहीं। ठीक है हो गया भाई, किसी को दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके अब सारे बच्चे क्वेश्चन लिखे जरा, सारे बच्चे क्वेश्चन लिखे।
अच्छा देखो लिखो टू कैपेसिटर तो मेरे पास दो कैपेसिटर है, मान लो एक कैपेसिटर कितने का है, एक है 6 माइक्रोफेरड और एक है मेरे पास 12 माइक्रोफेरड का, तो लिखो टू कैपेसिटर वन ऑफ 6 माइक्रोफेरड, माइक्रोफेरड का मतलब होता है ये 6 माइक्रोफेरड और एक है मेरे पास 12 माइक्रोफेरड, माइक्रो का मतलब 10^-6, ठीक है, वन इज ऑफ 6 माइक्रोफेरड एंड अदर इज ऑफ 12 माइक्रोफेरड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी The voltage across the 6 microfarad capacitor. तो जो मेरे पास 6 microfarad है उसमें हमने क्या कर रखा है, एक voltage लगा रखा है जो कि मतलब potential difference लगा रखा है 2 volt का. So the voltage across the 6 microfarad capacitor is 2 volt. Then find the total battery voltage. Then find the total battery voltage. Total battery voltage तुम्हें बताना है. कोई बता सकता है कितनी होगी? Yes, Ritesh. दो कैपेसिटर थे, एक कैपेसिटर 6 है, दूसरा 12 है, और हमें 6 वाले का जो वोल्टेज दे रखा है वो 2 volt है. तो कह रहा है तो बताओ टोटल बैटरी कितनी होगी? कोई बता सकता है कैसे करेंगे इसको? क्वेश्चन समझ में आ गया सबको? एक मेरे पास 6 microfarad है, एक मेरे पास 12 microfarad है, ये आपस में कैसे कनेक्टेड है? 36 होगा क्या? 36? हाँ. Let me check once. तो पहले ये सीरीज में है, 36 वैसे लग नहीं रहा मुझे, तो ये मेरे पास सीरीज में कनेक्टेड है. और कह रहे कि जो मेरे पास 6 वाला जो है ना उसके अराउंड मेरे पास कितना वोल्टेज आया, ये मेरे पास 2 volt है, ठीक है. अब 12 वाले पे कितना वोल्टेज है ये हमें पता नहीं है, ठीक है. तो कह रहा है तो अब देखो इन दोनों वोल्टेज को ऐड करेंगे तभी तो ये टोटल वोल्टेज निकल के आएगा. तो कह रहा है बताओ ये कितना होगा मेरे पास, तो पहले तो मुझे ये चाहिए होगा, उसके बाद जब मैं दोनों को ऐड करूंगा. गलत है, गलत है, मेरा गलत है. 15 आ रहा है सर, 15 आ रहा है. 15? अच्छा देखो ये V1 मान लो, ये V2 मान लो, और ये टोटल V का मतलब क्या है, जब मैं V1 प्लस V2 करूंगा तब जाके मेरा V आएगा. तरफदार कैसे करेंगे? यस सर, कर रहा हूं, मैं ट्राई कर रहा हूं. अच्छा अच्छा करो करो, ट्राई करो. सृष्टि, दीक्षा, कर रही हूं सर. अच्छा सुकृति आइए क्लास के अंदर. सर 6 है क्या आंसर? 6 टोटल. ये सुकृति नहीं है क्लास के अंदर? एक बार जरा सुकृति को कॉल करो एक बार. ये क्या नाम है उसका? अरे सर विदुषी. नाम भूल गया सर. यस सर. नाम नहीं बोला मैं. यस एक बार जरा सुकृति को कॉल करो. कर रही हूं सर. कर. हां ये क्लास में कर लिया ये. सागर सर. हां हां सर. 3 कैसे क्या सर? मैंने तो रेशियो निकाल के कर लिया. रेशियो कैसे निकाला है? सर मैंने इक्वेट वगैरह कर दिया तो मेरा 3 आया है. सही है, कॉन्सेप्ट वगैरह मैंने सही लगाया है. अच्छा. फोटो भेज दो? नहीं 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 नहीं, देखो देखो बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है. लेकिन देखो करेंगे कैसे, मुझे एक बात बताओ, सीरीज के अंदर चार्ज सेम रहता है या अलग रहता है? सीरीज के अंदर सेम रहता है. सेम रहता है, राइट. तो जितना चार्ज इसके पास होना चाहिए उतना ही चार्ज इस वाले के पास भी होना चाहिए, राइट. तो इसका मतलब जो क्यू है वो दोनों पे क्यू सेम रहना चाहिए. क्यू का फॉर्मूला क्या होता है? C1V1 यहाँ पे इस वाले का चार्ज होगा और इस वाले का चार्ज कितना होगा? C2V2. अब मुझे एक बात बताओ, C1 कितना दे रखा है? 6. और V1 कितना दे रखा है? 2. C2 कितना दे रखा है तुम्हें? C2 12. और V2 तुम्हें पता नहीं है कितना है, तो ये क्या हो जाएगा? 12/12 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा. अरे गांव के बच्चों 1 हो गया ना, तो V2 कितना निकल के आया? इसका मतलब V2 तुम्हारा 1 निकल के आ गया. और टोटल V क्या होगा फिर? 2 पहले से दे रखा था, V1 तुमने निकाल लिया, तो 2+1 कितना होगा? ऑफ कोर्स ही बात है 3 वोल्ट, राइट. इसे कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर. कितना इजी क्वेश्चन था बताओ. और तुम लोग जेईई मेन के लिए जाओगे बताओ? IIT मुंबई जाना है उन लोगों को. IIT मुंबई जाना है, IIT मद्रास जाना है. सर अभी आ रही है सुकृति, उसको पता नहीं था. ठीक है सुकृति, क्या हो गया आधे घंटे लेट आ रही हो और वही बुलाने पे?
सर मैं भूल गई थी, बहुत शर्मनाक हरकत, बहुत शर्मनाक। चलो कोई बात नहीं। ये किसने बोला? मैंने मैंने ठीक है, ये किसने बोला ना? तुम्हें कौन लगता है और कौन बोलेगा? ठीक है तो देखो, यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई? कृति, कृति कह रही मुझे समझ ही नहीं आया क्या हुआ। कृति सर समझ आ गया। अच्छा एक सेकंड, सिस्टी का कॉल आ रहा है, आई डोंट नो व्हाई, मे बी वो हाइड हो गई हो, एक सेकंड। एक सेकंड हेलो कुश। हाँ सिस्टी। हाँ भाई। अच्छा 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 ठीक है, आदित्य है। ओए हाँ बोल। हाँ बोल। गाड़ी निकालेगा आज? हाँ हाँ वेरी गुड। तुम इसलिए इतने धीरे बात कर रहे हो, सिर्फ सिर्फ तुम दोनों को सुनाई देगा, बाकी सबको तो सुनाई देगा नहीं। हाँ जी वेरी गुड। 11:30 बजे आ जाइयो। अच्छा कुश, यहाँ पे ऐसे काम मत करो प्लीज, क्लास के अंदर ये सब चीजें लाओ नहीं होंगी तुम्हारी। सारी पर्सनल बातें अपने पास रखो, डिस्कशन चल रहा है। अच्छा देखो सारे बच्चे एक बात सुन लो, देखो जब भी तुम्हें ना ये मान लो इस तरीके से सॉल्व करने के लिए बोले कि तुम्हारे पास एक कुछ सीरीज में है और कुछ पैरेलल में है ना, तो देखो एक्चुअली जब तुम आगे अगला वाला चैप्टर कराऊंगा तो उसे हम क्या बोलते हैं, व्हीटस्टोन कंडीशन बोलते हैं। तो व्हीटस्टोन कंडीशन का मतलब अपने आप में क्या होता है, अगर जब भी तुम ये नेटवर्क इस तरीके से देखो या इसके जैसा कोई नेटवर्क देखो, तो देखो वो हम ही प्रूव करके दिखाते हैं। एक्चुअली ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में कराऊंगा जब मैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स स्टार्ट करूंगा। तो जब भी तुम्हारे पास मान लो ये C1/C2 आ जाए रेशियो, मतलब C1/C2 = C3/C4 आ जाए, मतलब ये वाला अपॉन में ये वाला और ये वाला अपॉन में ये वाला रेशियो सेम आ जाए, तो यू कैन नेग्लेक्ट C5। ओके तो तुम C5 को नेग्लेक्ट कर सकते हो और इसी कंडीशन को हम क्या बोल के चलते हैं, व्हीटस्टोन कंडीशन। और ये हम नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका यहाँ पे यूज है। सर शायद से आपने 10th में बताया था। हाँ 10th में बताया था, जब हम बोलते थे कि हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, शायद रितेश ने कर रखा होगा। रितेश हाँ यस सर। सर कौन सी कंडीशन थी सर? व्हीटस्टोन कंडीशन, व्हीटस्टोन। ये रितेश ने 10th क्लास में पूछ लिया था, मुझे याद है। तो व्हीटस्टोन की कंडीशन सर याद मैंने दिलाया है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, वंशिका के लिए जोरदार तालियां, बिल्कुल सही। ओ भाई तो ये हमारे पास क्या व्हीटस्टोन कंडीशन है। कोई डाउट है इसमें किसी को? बस 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 5 बजे 5 तालियां मत बजाओ, ठीक है? तो अभी मैं एक्सपीरियंस तगड़ा है इसमें। तुम बताओ क्या एक्सपीरियंस? अच्छा ज्यादा एक्सपीरियंस मत दिखाओ। अब एक सारे बच्चे क्वेश्चन लिखा हो जो सबसे पहले करके दिखाएगा उसके लिए एक पारितोषिक है। सबसे पहले लिखो, लिखो टू कैपेसिटर। देखो मेरे पास टू कैपेसिटर है, मैं बता देता हूँ। टू कैपेसिटर है मान लो मेरे पास, और एक कैपेसिटर मेरे को दे रखा है 3 माइक्रोफेरड, एक दे रखा है मेरे पास 6 माइक्रोफेरड। ठीक है मान लो इस पे जो पोटेंशियल दे रखा है वो दे रखा है तुम्हें 2 वोल्ट, और इसका जो पोटेंशियल दे रखा है मान लो दे रखा है 5 वोल्ट। ठीक है और इन दोनों को मैंने कैसे कनेक्ट कर रखा है, मैंने सीरीज में कनेक्ट कर रखा है इस तरीके से, इस तरीके से मैंने इनको सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। तो अगर मैंने इनको सीरीज में इस तरीके से कनेक्ट कर रखा है, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि बताओ यू हैव टू फाइंड आउट दी, एक सेकंड में 3 माइक्रो, एक सेकंड 2 वोल्ट है मेरे पास, अच्छा अब तुम्हें यहाँ पे बेसिकली जो फाइंड करना है ना वो पोटेंशियल पता करना है कि इस 3 माइक्रो के अंदर कितना पोटेंशियल आएगा। ये जो मैंने दे रखा है देखो इसका अंदर का पोटेंशियल तो इतना है, लेकिन हम 2 पॉइंट के बीच का निकालने के लिए कह रहे हैं। तो तुम्हें बेसिकली क्या निकालना है, तो तुम्हें पोटेंशियल निकालना है। मैं मेरा क्वेश्चन ये है, फाइंड द पोटेंशियल अक्रॉस ईच ऑफ द टू कैपेसिटर। नाउ टू कैपेसिटर तो तुम्हें, अच्छा एक काम करो मुझे बेसिकली क्या निकालना है, देखो मैं इसके अंदर कैसे करूंगा। अगर मेरे पास मुझे टोटल चार्ज निकालना होगा, टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं, C1V1 + C2V2, एम आई राइट? अरे भाई सुन लो मैं क्या बोल रहा हूँ। यस सर। टोटल चार्ज निकालना होगा तो टोटल चार्ज कैसे निकालते हैं, ये टोटल चार्ज Q1 + Q2 हो जाएगा,
तो q1 plus q2 का मतलब क्या हो जाएगा c1 v1 plus का c2 v2 सिंपल है ठीक है तो अब टोटल चार्ज कितना आ जाएगा मेरे पास जो मल्टीप्लाई करके बताओ चलो निकालो एक बार सारे बच्चे टोटल चार्ज इन दोनों का टोटल चार्ज कितना आएगा 36 आ गया ठीक है अब मुझे एक बात बताओ अगर मुझे पोटेंशियल निकालना हो इस 3 के लिए ठीक है तो अगर मुझे सिर्फ इसके लिए पोटेंशियल निकालना होगा तो इसका मतलब तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास क्यू इज इक्वल टू सी वी तो क्यू अपॉन सी हो जाएगा मेरे पास अच्छा तो क्यू अपॉन सी अब मेरे पास मुझे एक बात बताओ तो टोटल चार्ज कितना निकाला अभी तुमने एक सेकंड पहले अभी भी टोटल चार्ज कितना निकाला 36 निकाला था राइट भाई देखो जितना चार्ज इसमें होता है उतना ही चार्ज तो इसमें भी होता है तो हमने पहले पूरी सर्किट का चार्ज निकाल लिया तो तभी तो हम पोटेंशियल निकाल पाएंगे तो चार्ज अपॉन में सी तो 36 अपॉन सी कितना दे रखा है तुमको 3 भाई 3 है ना ये हां तो 36 अपॉन में 3 कितना आ जाएगा मेरे पास 12 आ जाएगा 312 जा 36 तो ये 12 आ गया कैपेसिटर के निकाल के समझ क्या सर समझ गया सर एक एक करके निकालना है ना दोनों कैपेसिटर की हाँ तो हमें चार्ज नहीं पता था ना टोटल सीरीज के अंदर चार्ज सेम रहता है तो हमें चार्ज नहीं पता था तो इसलिए पहले हमने पहले टोटल चार्ज निकाला चार्ज निकाला हाँ तो चार्ज अपन क्या हो जाएगा पोटेंशियल निकालना दूसरे वाले का कितना निकल के आया पोटेंशियल की पोटेंशियल डिफरेंस सर ये पोटेंशियल है पोटेंशियल पोटेंशियल सर एक बार फिर बताना ठीक है बता रहा हूँ देखो तुम्हें दो कैपेसिटर दे रखे थे एक सेकंड एक सारे बच्चे ध्यान सुनेंगे तो मैं दो कैपेसिटर दे रखे थे ठीक है और दो कैपेसिटर का जो तुम्हें दे रखा है इनको हमने चार्ज किया है टू द पोटेंशियल ऑफ 2V एंड 5V मतलब मैंने इस तीन जैसे मान लो मेरे पास एक ही कैपेसिटर था 3 माइक्रोफेराड तो मैंने इसको चार्ज किया कब तक जब तक इसका पोटेंशियल कितना हो जाए 2 वोल्ट ना हो जाए एक मेरे पास कैपेसिटर था 6 माइक्रोफेराड तो मैंने इसको चार्ज किया कब तक जब तक ये मेरे पास 5 वोल्ट ना हो जाए ठीक है 5 वोल्ट ना हो जाए अब मैंने क्या करा अब मैंने इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया ऐसे तो अब जब मैंने इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो अब कुछ ना कुछ शिफ्टिंग होगी तो इन दोनों अब कह रहे कि तो बताओ इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद इस पे कितना पोटेंशियल आएगा और इस पे कितना पोटेंशियल आएगा ठीक है ना भाई भाई देखो इंडिविजुअली चार्ज करके कुछ पोटेंशियल लेकर आना और फिर कंबाइन करना तो इनके बीच में कुछ शिफ्टिंग होती है ना पोटेंशियल की आपस में तो फिर तुम्हें बताना है कि फिर इन पे कितना पोटेंशियल रह गया तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है तुम्हें पता है क्यू इज इक्वल टू सी वी फॉर्मूला होता है तो क्यू इज इक्वल टू अगर सी वी होता है तो क्यू अभी तुमने निकाल लिया टोटल क्यू कैसे निकलेगा पूरी सर्किट का टोटल चार्ज कैसे निकलेगा भाई C1 V1 प्लस का C2 V2 राइट टोटल चार्ज ऐसे तो निकलेगा नहीं समझ में आ रहा है समझ में कुछ चार्ज मेरे पास सर्किट का क्या होता है C1 V1 और ऐसी इसका भी हो जाएगा C2 V2 तो टोटल चार्ज कितना निकल गया 36 तो बस 36 अपॉन में सी कर दो तो वी निकल के आ जाएगा 36 अपॉन में सी कर दो तो ये इसका भी निकल के आ जाएगा गॉट इट एवरीबॉडी यस सर ये वाला कंडीशन नोट कर लिया है वीटस्टोन कंडीशन यस सर यस सर ओके सर ये नहीं समझ में आया सर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे है पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं है ये अरे क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्यों नहीं है मतलब अरे पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है अरे पोटेंशियल डिफरेंस है ओके पोटेंशियल डिफरेंस ठीक है इतना कोई नहीं पोटेंशियल तो एक बस वो होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को समझाने के लिए एक्चुअली में हम पोटेंशियल का वर्ड यूज करते हैं कभी ये नहीं बोलेगा कि पोटेंशियल निकालो कैपेसिटर का ठीक है क्योंकि वो दो पॉइंट अरे आपने बैकग्राउंड क्यों लगा रखा है बैकग्राउंड नहीं है वो मैं आई एम नॉट ऑन द इंडिया एक्चुअली यस अच्छा टू कैपेसिटर्स हैव द कैपेसिटेंस ऑफ
two capacitor have the capacitance of 5 microfarad when they are connected in parallel. 5 microfarad. Sir, two capacitors have a capacitance of 5 microfarad when they are connected in parallel. And 1.2 microfarad when they are connected in series. And 1.2 microfarad when they are connected in series. Then find the capacitances. In dono ka C1, C2 nikalna hai tumhe. Find the capacitances. Yes, pyare pyare bachcho. Capacitance nikalo. तरफदार क्वेश्चन समझ में आया? यस सर, आ गया। ओके सर, क्वेश्चन समझाना है, एक मिनट। मेरे पास दो कैपेसिटर दे रखे हैं, एक को मैंने दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, तो जब मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो उनका जो टोटल कैपेसिटेंस आया वो मेरे पास कितना आया? 5 माइक्रोफेरेड। सॉरी, जब मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया तो आया 5 माइक्रोफेरेड, और जब मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया तो मेरा आया 1.2 माइक्रोफेरेड। तो अब क्वेश्चन बोला तो बताओ C1 C2 कितना रहे होंगे? अच्छा, मैंने गलत लिख दिया था। कोई बात रितेश, देखो इस पूरी एक सेकंड इस पूरी इलेक्ट्रोस्टेट के अंदर अगर सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर किसी चीज पे आते हैं तो वो कैपेसिटर पे ही आते हैं। बाकी सब क्वेश्चन ऑलरेडी सपोज किया जाता है कि बाकी सब क्वेश्चन तुमने ऑलरेडी 10th में थोड़ा पढ़ रखा है। कैपेसिटेंस तुमने वहां पे नहीं पढ़ा था, ना तुमने 11th में पढ़ा था। कैपेसिटेंस पूरा 12th का टॉपिक है। तो बोर्ड एक बार भी बोर्ड का एग्जाम ऐसा नहीं हुआ है जिसमें कैपेसिटेंस से ना पूछा हो। तो कैपेसिटेंस से ना है ऐसा नहीं हो सकता। कैपेसिटेंस से एक ना एक क्वेश्चन मस्ट है, आना ही आना है। तो किसी भी कंडीशन में कैपेसिटेंस का टॉपिक तो बिल्कुल ही मत छोड़ना, ठीक है? अच्छा, यस सर। यस, तब C1 2 आ रहा है और C2 3 आ रहा है। यस yes, और किस किस का यही आ रहा है? ये बात किसने बोला? स्नेहा ने। हाँ सर। एक बार जोरदार तालियां बजाएं सबके सब स्नेहा के लिए। एकदम चेरी काउंटी हिल जाना चाहिए गड़गड़ाहट से। जोरदार तालियां, सब लोग अपने अपने ऑडियो ऑन करें। सारे चेरी काउंटी थोड़ी ना है। कौन बजा रहा है? एक्सपीरियंस तगड़ा दिख रहा। बस ज्यादा मत बोलो बदतमीज बच्चों, अभी रुक जाओ तो मैं ब्लॉक करता हूं। और तुम्हारा चेला कहां है आदित्य? चेला सर भाई है, वो मेरी जान है, ऐसे मत बोलो। कहां पर है फिर तुम्हारा भाई? सर वो अभी थोड़ा सा बिजी चल रहा है आजकल। कहां पर बिजी चल रहा है? पढ़ाई कर रहा है सर वो, अभी बैठ गए। अच्छा, तुम्हारे साथ ही बैठा है सर? क्या करा रहे हैं सर? तो मूवी थोड़ा सा दिखा रहे हैं। अरे ना, वो अलग पढ़ाई, जेई की पढ़ाई करता है सर। सृष्टि कितना आया? रितेश आया ही नहीं। चुप हो जाओ तुम। कैलकुलेशन गलती हो गई। तो मेरे पास ये पैरेलल में था, पैरेलल में एडिशन होता है तुम्हें पता ही होगा। तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा? 5 माइक्रोफेरेड। सीरीज के अंदर क्या होता है? 1/C1 प्लस का 1/C2। अरे गांव के बच्चों, सी इक्विवेलेंट निकालना है सीरीज के लिए, तो 1/C1 प्लस का 1/C2 होगा। तो जब तुम इसे उल्टा कर दोगे तो क्या बन जाएगा? सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1C2 अपॉन में C1 प्लस का C2, राइट? अरे यही तो होता था 10th क्लास के अंदर भी। यस सर। तो वो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1.2 माइक्रोफेरेड। तो ये तो है मेरे पास पैरेलल के लिए और ये है मेरे पास सीरीज के लिए। अब इसको जरा उधर लेके चले जाओगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास? अच्छा एक सेकंड, ये C1 प्लस C2 मेरे पास 5 माइक्रोफेरेड है, तो एक तरह से C2 कितना हो जाएगा? तो C2 इज इक्वल टू 5 माइनस का C1 हो जाएगा क्या? अबे इस इक्वेशन से हो जाएगा ना, तो क्या मैं C2 की वैल्यू को पुट कर सकता हूँ इसके अंदर? क्या मैं C2 की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर सकता हूँ? नहीं निकल के आया अभी भी कुछ लोगों का। भाई मेरे, ये मेरे पास सी सीरीज वाला है
सीरीज की वैल्यू 1.2 दे रखी है ऑलरेडी तुमको, और ये मेरे पास क्या है C1 C2, तो C1 अगर ये है तो C2 की वैल्यू मैंने यहाँ से ले ली 5 माइनस का C1, और C1 प्लस C2 तो ये दे ही रखा है, ये रहा सीरीज वाला सॉरी पैरेलल वाला, तो C1 C2 की जगह मैं क्या लिख दूंगा 5, तो 5 को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6.0 राइट भाई, 12 5 60 होता है ना, ये C1 हो गया मतलब 5 C1, और ये हो जाएगा माइनस का C1 का स्क्वायर, तो जब मैं इसको इधर लेकर आऊंगा तो क्या हो जाएगा C1 का स्क्वायर माइनस का 5C1 प्लस का 6, am I right? ऐसी आया था क्या स्नेहा तुम्हारा भी? पर एकदम सेम ऐसी किया था। Very good. C1 का स्क्वायर अब ये मेरे पास माइनस कैसे आएगा? तो तुम सबको कैसे पता है ये 3 2 6 होता है, तो 3C1 प्लस का सॉरी माइनस होना चाहिए ना, माइनस का 2C1 प्लस का 6 इज इक्वल टू 0, तो C1 कितना, अरे कर लोगे अब, ये तो साफ पता लग रहा है, 3 और 2 आ गया, अब गांव के बच्चों पूरा का पूरा फैक्टराइज करवाओगे मेरे से? ऐना कर लूंगा, मैं कर लूंगा, ठीक है ठीक है, तो एक बार मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, C1 की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एक की आ जाएगी 2 और एक की आ जाएगी 3, राइट? यस सर, गॉट इट एवरीबॉडी? यस सर, सृष्टि रितेश दीक्षा कृति, हां सर, हां सर आ गया था, यस सर आ गया, ओके तो चलो ये तो थे मेरे पास कुछ वैसे न्यूमेरिकल टाइप की जो तुम्हें वैसे करने होंगे, लेकिन अब मेरे पास आते हैं क्या सर्किट्स आती हैं, तो सर्किट में पता ही ना जो 10th क्लास में भी थी सर्किट डायग्राम, आई होप वो तो तुम और भी ज्यादा आसानी से कर लोगे, ठीक है, मान लो मेरे पास एक सर्किट दे रखी है, वेरी गुड स्नेहा, रफ्तार तुम्हें क्या हो गया है, कोई रिप्लाई नहीं करते हो आजकल, तो नेट स्लो है सर, नेट स्लो है, अच्छा फास्ट करो भाई उसे, मान लो ये दे रखा है तुम्हें 5 माइक्रोफेरड, ये C1 दे रखा है तुम्हें 10 माइक्रोफेरड, ये C3 तुम्हें दे रखा है 5 माइक्रोफेरड, और मान लो बैटरी तुम्हें दे रखी है 6 वोल्ट, राइट? तो क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि प्यारे प्यारे बच्चों तुम्हें निकालना है टोटल ये 3 कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटेंस है इसका इक्विवेलेंट निकालो, या एक काम करो टोटल चार्ज निकालो, Q1 निकालो C1 पे कितना चार्ज है, Q2 निकालो C2 पे कितना चार्ज है, और Q3 निकालो C3 पे कितना कितना चार्ज है, तो तुम्हें चार्ज निकालना है प्यारे प्यारे बच्चों, चलो निकाल के दिखाओ, यस शर्मा मत करके दिखाओ, यस कैसे करोगे, स्नेहा रितेश सृष्टि, अरे इसमें पोटेंशियल सबका सेम होगा ना, नहीं डिपेंड करता है ना सीरीज में कौन है पैरेलल में कौन है, अगर पैरेलल में होगा तो सेम होगा, सीरीज में होगा तो चार्ज सेम होगा, ठीक है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है ना किस सिचुएशन की बात चल रही है, कृति निकालना पड़ेगा मुझे इंडिविजुअल चार्ज बताओ Q1 Q2 Q3 जो पूछा है वो मेरा इंडिविजुअल चार्ज आया है C1 पे 30 है, ठीक है, और C2 पे 15 है, हाँ, और C3 पे 30 आ रहा है, ये स्नेहा तुम्हें क्या हो गया आज, सब फेवरेट टॉपिक है ना, अच्छा एक बार जोरदार तालियां बजाए स्नेहा के लिए, बिल्कुल एकदम करेक्ट रिप्लाई किया है, और ये करा कैसे एक बार बताना जरा स्नेहा, सर सिंपल फॉर्मूला लगाए ना Q is equal to CV, ठीक है,
फिर उसके बाद C1 की वैल्यू आ गई और फिर मैंने C2 का ना निकाल के उससे पहले C1 की वैल्यू आ गई। C1 तो पहले से दे रखा है। हाँ, नहीं सर, C1 के ऊपर चार्ज की वैल्यू आ गई उससे। ठीक है, फिर C3 निकाल लिया था मैंने और C2 मैंने निकाल लिया C3 के रेफरेंस में लेके। अच्छा अच्छा भाई, देखो सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। देखो ये टोटल पोटेंशियल अगर मैं बोलूं कि ये 6 है, सारे बच्चे ध्यान सुने, अगर ये 6 है तो इसका मतलब ये 6 ही तो आपस में बटा हुआ है। एम आई राइट पीपल? अरे हाँ, नहीं कुछ तो बोलो आप। अच्छा मुझे एक बात बताओ सारे के सारे, अगर इसके अंदर देखा जाए तो ये C2 और ये C3 आपस में क्या है, पैरेलल में। तो अगर ये C2 और C3 आपस में पैरेलल में तो इनका टोटल कैपेसिटेंस वैसे कैसे निकलेगा? मान लो अगर मैं C- निकालना चाहूं तो ये क्या निकलेगा, पैरेलल में तो प्लस होता है, तो C- = C2 + C3, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 5 + 5 = 10 हो जाएगा, 10 μF। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे कोई डाउट है यहां तक? नहीं। अच्छा, अब ये C1 और ये C- आपस में सीरीज में हुए या पैरेलल में हुए? भाई इन दोनों का तो रिजल्टेंट आ गया। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया, और जो C1 है, तो C1 C- और C1 आपस में पैरेलल में या सीरीज में है? सीरीज में सर। सीरीज में होंगे, तो सीरीज में, तो फिर एक मेरे पास क्या आएगा, एक टोटल नेट आएगा। तो नेट क्या निकालते हैं, वैसे ही सब पता है, C1 C- / C1 + C-, तो कितना हो जाएगा, 10 × 10, दोनों के दोनों 10 है ना, 10 × 10 / 10 + 10, तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना, 10 × 10 = 20, 20 और 100, कितना हो जाएगा मेरे पास, 5 μF। अरे यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? 100 × 10 = 20 कितना होगा, 5 μF। तो मेरे पास टोटल कैपेसिटेंस कितना आ गया है, मेरे पास 5 μF। और तुमको टोटल बैटरी भी दे रखी है 6 वोल्ट, तो Q = क्या होता है, CV होता है क्या? C टोटल कितना आया, 5, टोटल वोल्टेज कितना है 6, तो टोटल चार्ज कितना आ गया मेरे पास, 30 आ गया। अब मुझे एक बात बताओ, इसका मतलब यस सर, C- तो C- बोलो सर, C- तो 15 है ना? C- 15 है, एक सेकंड, C- नहीं है, कैसे 15 हो जाएगा C-? जरा मुझे एक बात बताओ, C- ये, एक से चुप रहो हमारे सारे, बकवास नहीं, C- जो मुझे दे रखा है, वो C2 और C3 का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल में तो प्लस करते हैं ना? हाँ सर, वो मैंने गलत लिख लिया था। हाँ ठीक है सर, मेरा भी यही हुआ है, वो 10th वाली कॉन्सेप्ट लग रहा है, 5 कितना होता है, 10 होता है, तो 10 प्लस, अब ये 1/10 और 1/10 करोगे तो 5 आ गया ना टोटल, और Q = क्या होता है, CV होता है, 30 निकल गया। इसका मतलब यहाँ से जो करंट जा रहा है कृति, तो यहाँ से कितना चार्ज आ रहा है, चार्ज, करंट नहीं, चार्ज, 30 कूलम्ब का, बराबर बराबर है, तो ये 30 आपस में इक्वल इक्वल जाएगा, राइट, जितना इसमें जाएगा उतना इसमें भी जाएगा, तो इसका मतलब इसमें कितना जाएगा, 15, और इसमें जाएगा कितना, 15, तो इसका मतलब इसमें भी 15 μC और इसमें भी कितना जाएगा, 15 μC। कोई डाउट है? नो सर। ये जो भूत की आवाज निकाल रहा है बीच बीच में, यू वॉशिंग मशीन की आवाज, ऐसी आवाज है तुम्हारी वॉशिंग मशीन की? सर जी मेरी की ना, किसी और की है, वॉशिंग मशीन को लखवा मार रही है। बच्चे चिल्ला रहे। अच्छा, बड़े अजीब बच्चे, चलो ठीक है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है क्या? यस रितेश सर, आपका बैकग्राउंड की वजह से आपका ये एक कंधा गायब हो गया। सर जी मैजिकल पावर है, पता नहीं है, तुम मेरे को ज्यादा लोग, सर जी धीरे धीरे आप भी गायब हो जाओगे। ठीक है तुम आदित्य कंट्रोल योरसेल्फ। सर मैं बता रहा हूँ आपको, कभी गायब हो जाओ, कोई बताने की जरूरत नहीं है। मैजिकल पावर को ज्यादा मैजिक दिखा रही है सर की। सर जी मैजिक हो जाएगा बहुत तक। तुम आदित्य बेटा स्क्रीन से आके मारूंगा, तुम को जाओ। सर किससे? तुमसे बोल रहा हूँ। किससे मारोगे?
बदतमीज हो गई बिल्कुल एकदम नॉनसेंस नॉनसेंस सेंस सर एक बार वो अपनी इंग्लिश तो बोल दो वो महंगी वाली वो सुनी नहीं बड़े दिनों से यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे पास क्या है मान लो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने कनेक्शन ले रखा है ठीक है और यहाँ का कनेक्शन मान लो मेरे पास इस तरीके से वेरी गुड अभी रुक जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे ही पूछ रहा हूँ मैं आदित्य और आर्यन मेरे को तो आवाज ही नहीं आ रही विदुषी मेरे पे नोटिफिकेशन आया रेज हैंड का तुमने जानबूझ के रेज हैंड किया या कोई डाउट है या फिर ऐसे ही रैंडम हो गया सर कर दो आर्यन तू भी कर दे मैं भी कर रेज हैंड करने में का मजा आएगा लोअर हैंड भी दिखा रहा है इसमें चुप हो जाओ आर्यन अबे लोअर हैंड मतलब वो ओ बाद को मेरे पास ये 4 कैपेसिटर दे रखे हैं और तुमसे कह रहे थे मैं टोटल कैपेसिटेंस निकालना है तो टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे प्लस करके प्लस करके वेरी गुड शाबाश क्या बात है कॉमन सेंस कॉमन सेंस प्लस कैसे कर दोगे कैसे पता लगा तुम्हें प्लस करना है ए सर जी आपने तो बताया था अभी यस कृति देखो ऐसे क्वेश्चनों के लिए पता है तुम्हें क्या करना है सबसे पहले देखो ऐसे क्वेश्चनों के लिए तुम्हारे पास ट्रिक होगी तो हमेशा क्या लेके करना यहाँ पर ए है ठीक है एक काम करो जितने भी कनेक्शन दे रखे ना उन सबको एक नाम दे दो अगर ए भी पहले से दे रखा है तो इसको नाम दे दो सी का इसको नाम दे दो डी का और तो कोई कनेक्शन नहीं है नहीं और कोई कनेक्शन नहीं है ठीक है तो मैंने सी और डी का नाम दे दिया विदाउट नाम थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसलिए नाम देना ही पड़ेगा तुम्हें अब एक काम करो देखो पहले एक्स लाइन लो एक्स से ये ए निकालो ठीक है तो ये ए आ गया कोई दिक्कत तो नहीं है अच्छा ये ए और ये डी आपस में जुड़ रखा है राइट तो ये जो ए और ये आपस में जो डी हो रखा है तो ए और डी के बीच में क्या कोई कनेक्शन दिख रहा है तो लोगों को नहीं तो ठीक है ए और डी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है लेकिन मुझे एक बात बताओ ये ए और सी क्या ए और सी के बीच में किसी को कोई कनेक्शन दिख रहा है ए और सी के बीच में हाँ सर है तो पैरेलल में अच्छा और सी और डी के बीच में भी एक कनेक्शन है और ऐसे डी और बी के बीच में भी कनेक्शन है तो अब देखो हुआ क्या है मेरे पास इसको अगर तुम ध्यान से देखोगे ना देखो ये ए पॉइंट और ये डी पॉइंट एक तरह से एक ही पॉइंट है ये ए पॉइंट और ये डी पॉइंट एक तरह से एक ही पॉइंट है और ये सी और ये बी ये एक ही तरह से एक ही पॉइंट है तो तुम लोगों को कैसे करना होगा देखो ये ए है और ये बी है मेरे पास ठीक है और ये बी से मेरे पास ये टेन वाला ऐसे वाई निकल रहा है लेकिन अब ए और बी के बीच में ये मेरे पास दो कनेक्शन कुछ इस तरीके से जा रहे हैं तो देखो तुम्हें क्या याद रखना है ए से लेकर डी तक तुम्हें एक वायर बनानी है और उसमें तो मेरे पास कोई है ही नहीं हमारे पास तो एक काम करते हैं एक सेकंड रुको तो अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से एक बार और सुन लो सर एक बार अच्छा अच्छा अभी तो मैंने कुछ समझाया नहीं है मेरे को एक सेकंड जब भी हमें इस तरीके से सर्किट दे रखी है ना तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा मैंने अभी सिर्फ ये सर्किट दे रखी है मैंने बस नेम दिया है ए ये बी दे रखा था तुमने बस सी और डी मान लिया वैसे ऐसे ऐसे कभी भी टाइप की सर्किट दे रखी होती है ना तो हमेशा ध्यान रखना कि वो सर्किट कैसे दे रखी है हमेशा पैरेलल में होती है ये जो मेरे पास सर्किट है ये जो मेरे पास 2 माइक्रोफेरेड दे रखा है ठीक है फिर जो तीसरा वाला दे रखा है 3 माइक्रोफेरेड और फिर जो लास्ट वाला दे रखा है तो ये आपस में किससे कनेक्ट हो रखे हैं सारे के सारे ए से कनेक्ट हो रखे हैं और यही सारे के सारे किससे कनेक्ट हो रखे हैं बी से कनेक्ट हो रखे हैं सारे के सारे तो खुद ही बताओ अगर 3 कैपेसिटेंस सारे के सारे ए से कनेक्टेड है और ये तीनों की तरफ बी से कनेक्टेड है तो ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है कि जब कैपेसिटेंस का ये वाला पार्ट ए से और ये वाला पार्ट बी से कनेक्टेड हो रखा है ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है जब वो सीरीज में है या पैरेलल में है अरे मेरे भाई सीरीज में होगा तो सीरीज में फिर एक जैसा कैसे कनेक्ट हो जाएगा इसका ये वाला पार्ट किससे कनेक्ट है इसका पैरेलल में पॉसिबल है ना देखो कैसे देखो अगर मैं तुमसे बोलूं कि एक येरा और एक येरा येरा ठीक है एक चुप हो जाओ तुम आ रहे हो 2 माइक्रोफेरेड क्या है ये 3 माइक्रोफेरेड और ये मेरे पास है 5 माइक्रोफेरेड ठीक है और ये बी से कनेक्टेड है इस तरीके से बनाओगे मुझे एक बात बताओ ये जो 2 माइक्रोफेरेड है इसके लेफ्ट साइड में ए है राइट साइड में बी है एम आई राइट इसके लेफ्ट साइड में ए राइट साइड में बी है तो बताओ ये 2 इसके लेफ्ट साइड में इस तरीके से नीचे की साइड ए और इस साइड क्या है मेरे पास बी इसी तरीके से 3 के लेफ्ट साइड में ए और राइट साइड में बी
तो देखो ये राइट लेफ्ट साइड में ए, राइट साइड में बी, तो जब भी मेरे, और इसी तरीके से फाइव के साथ भी हो रखा है, तो जब भी मेरे पास इस तरीके से कनेक्शन होता है तो उसमें हम क्या करते हैं, तो उसमें हमारे पास कौन सा कनेक्शन लेके चलते हैं, हमेशा पैरेलल वाला कनेक्शन, ठीक है। तो इसका क्या आंसर निकल के आएगा भाई, तो ऐसी सर्किट को पहले तुम्हें मॉडिफाई करना होता है, इस चीज का ध्यान रखना। यस, व्हाट इज द टोटल आंसर? आपको करना है सर 2 माइक्रोफेरेड। 2 माइक्रोफेरेड कृति, कितना है तुम्हारा? कर रही हूं अभी सर 5 आ रहा है। 5 आ रहा है। क्या हो गया आजकल तुम्हें? 5 आ रहा है। हां सर, हां सर 5 है, 5 है, सॉरी सॉरी, ठीक है। सृष्टि तुम्हारा कितना है? सर 5। ठीक है। तरफदार? यस सर आ गया 5। ठीक है। तो जब भी तुम्हें इस टाइप की सर्किट दी रखी, देखो जब तक यहाँ पे कोई कैपिटेशन ना दे रखा हो, यहाँ पे कोई कैपिटेशन ना दे रखा हो, तो ध्यान रखना, बस तुम्हें कुछ नहीं करना, सीधा आग बंद करके कौन सा कनेक्शन लगाना है, पैरेलल कनेक्शन तुम्हें लगा देना है। अब जो मैं देने वाला हूँ वो वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, देखो सारे पे ध्यान रखना। ये तो ताल लिया सबने। अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इम्पोर्टेंट। सर ये खत्म हो जाएगा ना चैप्टर? नहीं नहीं, एक क्लास और चाहिए, एक क्लास और चाहिए होगी। देखो यहाँ पे एक कैपेसिटेंस दे रखा है C1, ठीक है, यहाँ पे एक कनेक्शन दे रखा है C3। ये आवाज कैसी आ रही है? तभी से मत करो, पता नहीं हो रहा। चुप हो जाओ, तुम आ देखते हैं। ओ तेरा आवाज तगड़ी थी क्या? क्या आवाज तगड़ी थी? तो ये हमारे पास C4 है। मेरे तो ध्यान ही भटक गया था। चुप हो जाओ, ज्यादा ध्यान मत भटकाओ, 12th क्लास है बेटा, कोरोना ने बचा लिया तुम लोगों को। अरे कहाँ है जल्दी। अच्छा चलो, पता नहीं कितनी मुश्किलें झेल रहा हूँ मैं इसकी वजह से, कोरोना की वजह से। हाँ क्या दिक्कतें आ गई तुम्हें? ऐसी पर्सनल दिक्कत है क्या? दिक्कत आ गई है। वो सब हो नहीं पा रहा। अच्छा चुप हो जाओ तुम बदतमीज कहीं। देखो हमारे पास सुनो, जहां पर भी जॉइंट हो ना, जहां पर भी जॉइंट हो वहां पे तुम्हें क्या करना है, इस तरीके से ABCDF बना लेना है। देखो यहाँ पर मेरे पास जॉइंट था ये भी, और यहाँ पे जितने भी पॉइंट है, देखो मैंने हर जगह पे क्या लिख लिया है, नाम लिख लिया है AFB। क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पे जिसका मैंने नाम ना लिखा हो? यस सर। तो एक बात बताओ, जैसे हम क्या ये जो F से लेके E तक पैरेलल कर देंगे? नहीं, अभी वही तो बता रहा हूँ, रुक तो जाओ एक सेकेंड। पहले क्या था, पहले यहाँ पे कैपेसिटेंस नहीं था, अब लेकिन अब ये इसके यहाँ पर भी कैपेसिटेंस है, तो अगर यहाँ पे नहीं होता तो हम डायरेक्टली पैरेलल कर देते, लेकिन अब तो यहाँ पर भी दे रखा है हमको, तो यहाँ पर अगर दे रखा है तो फिर तो कुछ और बात होगी ना। तो अब सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे बिल्कुल एकदम कान खोल के। यस देखो मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, देखो ये ए है, ठीक है, ए से लेकर एफ तक जा रहा है, क्या ए से लेकर एफ तक क्या कोई भी कैपेसिटेंस है? नो नहीं नहीं। अच्छा एफ वाला किससे जुड़ा हुआ है मेरे पास? एफ वाला डी से जुड़ा हुआ है, राइट। तो अगर एफ वाला डी से जुड़ा हुआ है तो एफ से लेकर डी तक जाओ, एफ से लेकर डी तक के बीच में कोई कैपेसिटेंस है? एफ से डी की लाइन में देखना, C4 है राइट। अरे वो तो नीचे है ना, एफ से लेकर डी की लाइन में देखो, ये वाली लाइन में, एफ से लेकर डी तक देखो, ये वाली लाइन में, रेड वाली लाइन में। तो एफ से लेकर डी तक देखो तो क्या है मेरे पास? C4 दिख रहा है सबको? यस सर। अच्छा अब अरे ये कौन है बदतमीज? अच्छा ये एफ से लेके ऊपर चले गए, क्या एफ से कोई एक लाइन और जा रही है ब्लू कलर की? यस सर। तो वो कहाँ पे कर खत्म हो रही है? बी पे। तो एक एफ से लेके बी तक जा रही है, और वहां पे कौन सा कैपेसिटेंस है? एफ से लेके एक लाइन और जा रही है बी पर, और उसमें कौन सा कैपेसिटेंस है? C1। तो यहाँ पे कर दोगे C1, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, बी से लेके डी तक क्या कोई कैपेसिटेंस दिख रहा है तुम लोगों को? C3। हाँ सर। तो बी से लेके डी तो यही है,
तो B से लेके T3 के कैपेसिटेंस जा रहा है वो कितना है मेरे पास C3 ठीक है. अच्छा D से लेकर E तक कुछ जा रहा है क्या? बिल्कुल है. तो D से अब यहाँ पे E तो कोई नहीं है तो इसका मतलब E यहाँ पे होगा कहीं पे. तो C से लेकर E तक कौन जा रहा है? C5. अच्छा और E क्या E किसी और से कनेक्टेड है? देखो ये रहा B से कनेक्टेड है, इस B से कनेक्टेड है. तो वहां पे कौन सा कैपेसिटेंस है? C2. तो E किससे कनेक्ट है? E से. अब मुझे एक बात बताओ क्या और कुछ रह गया है? नहीं कुछ और रह गया है जो शायद मैंने ना लिया हो. तो ये इस तरीके से कॉम्प्लिकेटेड वर्जन था. हमें कॉम्प्लिकेटेड वर्जन को कैसे करना पड़ता है? हमें पहले उसे सीरीज में बनाना पड़ता है. तो बताओ अब देखो अगर मैंने तुमसे बोल दिया सारे कैपेसिटेंस किसके हैं? 5 माइक्रोफेरेड के हैं. तो सारे के सारे 5 माइक्रोफेरेड के हैं. तो बताओ मुझे इनका रेशियो सेम है या अलग है? सेम है सर. अगर इनका रेशियो सेम है तो हम क्या कर सकते हैं? C3 को अलग अलग कर सकते हैं. अगर इनका रेशियो सेम है तो इसका मतलब कौन से वाले को अलग अलग करेंगे हम? C4/C1=C5/C2. पहले ये बताओ अलग अलग कौन सा करेंगे? मुझे एक बात बताओ यार ये वाला ये जो मेरे पास है ये C4 और C5 ये आपस में सीरीज में या पैरेलल में? भाई ये करंट आया इसके अंदर तो करंट आया तो कहीं पे डिवाइड करो हुआ करंट चलता जा रहा है सीरीज तो ये सीरीज हुआ ना सीरीज. तो सीरीज कैसे निकालते हैं? 1/C4 प्लस का 1/C5. अच्छा ये C1 ये भी सीरीज में तो 1/C1 प्लस का 1/C2. अच्छा इसका भी टोटल आ गया मान लो और इसका भी टोटल आ गया. तो इसका टोटल और इसका टोटल ये आपस में सीरीज में है या पैरेलल में है? पैरेलल में सर. पर ये वाला इसके साथ पैरेलल में है तो दोनों को ऐड कर दोगे टोटल निकल के आ जाएगा 5 में है भाई. टोटल निकल के आ जाएगा फिर हाँ सर 5. यस और कर लोगे या नहीं? हाँ सर. टोटल 10 आ जाएगा क्या? अरे यार ठीक है किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसके अंदर? तुम बताओ रितेश कोई डाउट है तुम्हें? हाँ नहीं सर. तो आई होप सबके सब कर लेंगे इसको. कृति दीक्षा रितेश सृष्टि इसमें किसी को कोई डाउट है? आर्यन आदित्य? नो सर. नो सर. आर्यन भदौरिया? हाँ सर. वेट स्टोन ब्रिज क्या होता है? क्या वेट स्टोन ब्रिज क्या होता है? क्या क्या होता है? आवाज नहीं आ रही आपकी. क्या कर रहा है आदित्य? C1 क्या बना अपॉन C2 C1 अपॉन C2 इक्वल्स टू C3 अपॉन C4 होता है और नेगलेक्ट कर देते हैं C5. कुछ नहीं जा जा चलो वेरी गुड सही बताया. तो हम बीच वाले को नेगलेक्ट कर देते हैं राइट. अच्छा ये जो क्वेश्चन करके दिखाएगा बहुत अच्छा लगेगा मुझे सर. ये ए है ये बी है. गिटार को बजा रहा है? अरे गिटार नहीं वॉशिंग मशीन की आवाज आ रही है किसी की तरफ से. लग रहा है ट्यूबलाइट से जल रही है. हां तेरे घर में जल रही है मेरे तो नहीं आती ऐसी आवाज ट्यूबलाइट जलने में. कोई तो तुम्हारे घर तो तुरंत जल जाती ट्यूबलाइट. एक बार बटन खटका दबाओ जल गई लाइट. अबे ओ खटका दबाओ चुप हो जा. मेरे इनके घर में सर खटका दबाते हैं ना. तुम्हारे घर तो दवा ठीक है. लैंग्वेज देखो इसकी ठीक है. हाँ क्या कर रहा है? हाँ तो ठीक है. पता नहीं कहाँ से कुछ नहीं क्या जा चेरी काउंटी में रहता है. नहीं कहाँ से गुजरो वाली लैंग्वेज सीख गया ये? ऐ सर जी स्कूल तो ऐसे ही है. चुप हो जाओ तुम. प्राइवेट स्कूल में कोई नहीं होता ऐसा. पता नहीं कहाँ से. सर जी आ जाओ हमारे स्कूल में दिखाऊंगी. पूरे पंडित गुजर जाट इंच इंच कम तो किसी को पाले में पड़ता है. कैसे बोल रहा है बिल्कुल एकदम. अरे कुछ नीचे आ जा. अच्छा यस देखो ये अब बच्चों बुझाओ. ये इनफिनिटी तक जा रहा है
अब अगर ये इनफिनाइट तक जा रहे हो तो मैं इस तरीके से टोटल के टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, तो टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो कैसे निकालना है, क्या कोई अपना सुझाव दे सकता है कैसे निकालेंगे तो इनफिनाइट तक जा रहा है, बस यही पर लोग पागल हो जाएंगे। दीक्षा क्या लगता है कैसे निकालेंगे? अरे सर ये आता है मेरे को, आता है तुम्हें तो बताओ दीक्षा रिक्शा नहीं। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, पता नहीं सर फिर देखता हूँ सर, शायद आता ही मेरे को। आ गया क्या तू है आदित्य? हाँ बोल। हाँ कहाँ नीचे आ जाऊँ? आ जा गेट पे। आ गया क्या तू? मैं 10 मिनट पीछे आ जाऊंगा गेट पे। आ जा तू। क्या तुम लोग बाहर घूम रहे हो? सर मैं तो डेली जाता हूँ। क्या तुम्हें डर नहीं लगता बिल्कुल भी? सर जी डर के आगे जीत है भाई, कोरोना के कोई जीत नहीं है। अगर किसी के कॉन्टेक्ट में आ गया ना बेटा पूरी चेरी काउंटी में फैला दोगे और बदनाम अलग हो जाओगे। मैं कॉन्टेक्ट में सर मैं कुछ लट खाएगा नहीं, लट तो कोई बात नहीं, लट खाएगा तो ठीक भी हो जाएगा। कोरोना का बेइज्जती होगी ना एक बार कोरोना हुआ था इसे, वो जिंदगी बन नहीं जाएगी, कोई शादी भी नहीं करेगा तुमसे फिर, ये तो कोरोना का हाल है। सर जी लट तो फर्क नहीं पड़ेगा सर इसको। हाँ हाँ तूने खाई दी के, तूने खाई दी के लट। अरे भाई क्वेश्चन पे आओ, क्या बकवास चल रही है बताओ क्लास के अंदर? अबे तो बकवास कर रहा है कुछ, बताओ भाई कैसे करेंगे इसको? और ऐसे सर ये पहले सीरीज वाला सर अलग होगा और सर पैरेलल वाला जो होगा सर अलग होगा ना? हाँ है सर सृष्टि तो बता तो दिया। हाँ और कुछ रितेश? बस सर यही पूछ। तरफदार स्नेहा दीक्षा कृति कुछ सुझाव दो अपने अपने। सर बस तो हो गया एक मिनट से, नहीं समझ में आ रहा मेरे सारे में क्या क्या ये सारे के सारे पैरेलल में लगे हुए हैं? सारे पैरेलल में तो कैसे दिख रहा है तुम्हें सारे पैरेलल में? सर ए से आ रहा है तो वो दो जगह डिवाइड हो रहा है, उसके बाद आगे जा रहा है तो भी वो दो जगह डिवाइड हो रहा है। यही तो विडंबना है। हाँ तो फिर ऐसे तो इंफिनिटी का कैसे निकालेंगे आगे तक? एग्जैक्टली यस रितेश। हाँ सर अब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। कुछ कहना चाहते हो? सर आंसर देके बताता हूँ। देखो सुन लो सारे बच्चे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना, अच्छा मुझे यार बात बताओ, अगर मैं तुमसे बोलूँ कि मान लो इनफिनाइट तक कोई चीज जा रही है ठीक है, तो इनफिनाइट का मतलब होता है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो अगर मान लो मैं तुमसे बोलूँ कि आदित्य के पास 1 अरब रुपये आ गया है, मान लो हाइपोथेटिकल वैसे है भी इसके पास रुपया, हाँ ये आदित्य के पास 1 अरब रुपए है, मतलब बहुत सारे पैसे हैं इसके पास। तो मान लो इसके पास आर्यन आया, आर्यन ने से बोला कि भाई 1 रुपए दे दे, तो क्या अरे जरूर आदित्य उसे 1 रुपए दे देगा? हाँ जी सर जी दे दूंगा मैं तो। नहीं भाई मेरे पास है भाई 1 रुपया, तो 1 रुपया दे सकता है, कई रुपया दे दूंगा 1 रुपए। तो 1 रुपए से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इनफिनाइट पे ठीक है, तो वो तब भी उतना ही रहेगा, 1 रुपए 2 रुपए दे देगा तो उससे कुछ घट नहीं जाएगा उसका। तो इसी तरीके से मुझे एक बात बताओ, ये सीरीज अगर तुम एक चीज नोटिस करो तो देखो ये सीरीज कुछ डेफिनेट पैटर्न रिपीट कर रही है। देखो जितना पैटर्न ये है 2-1 उतना ही पैटर्न ये भी है 2-1, उतना ही पैटर्न ये भी है 2-1, और उसी तरीके से इनफिनाइट तक। हाँ हाँ वेरी गुड आदित्य, बहुत सुंदर लग रहे थे। तो इसी तरीके से क्या है, हाँ तो इसी तरीके से ये रिपीट होता जा रहा है राइट। देखो 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 वेरी गुड। तो ये जो रिपीट हो रहा है ना, एक काम करो, अगर बताओ ये इनफिनाइट तक चलता जा रहा है, अगर इनफिनाइट के अंदर मैं अगर एक पोर्शन हटा दूं, ये इनफिनाइट तक चलती जा रही है, अगर मैं एक हिस्सा हटा दूं क्या उससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। तो मान लो इस पूरी की पूरी सर्किट का जो कैपेसिटेंस है वो मान लो सी है, लेकिन अगर मैं एक हटा दूंगा तो उससे कुछ फर्क पड़ना नहीं है। तो अगर मैं अब तो क्या मैं इसको मॉडिफाई करके क्या मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये ए है ये बी है, तो पूरी सर्किट का तो मान लो कितना है सी रेजिस्टेंस, लेकिन तुम्हें पता है एक बात कि अगर मैं एक सर्किट को हटा भी लूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे। तो 1 माइक्रोफेरेड ये है मेरे पास, 2 माइक्रोफेरेड ये क्या दिखा रहे हो बदतमीज,
C2 माइक्रोफेरेड, और यहां से लेकर यहां तक ये पूरा क्या है किसके बराबर हो जाएगा, C के। तो इसका मतलब इतना हिस्सा मैंने कैलकुलेट कर रखा है वो किसके बराबर है, C के। तो ये मेरे पास C है, ठीक है। तो ये मैंने इस तरीके से क्यों मान लिया, क्योंकि पूरा का पूरा C था, बस मैंने एक को हटा के रखा ताकि मैं कैलकुलेशन कर सकूं। तो ये मेरे पास C के बराबर आ गया, किसी को दिक्कत तो नहीं है भाई अभी। अब मुझे एक बात बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? सब वो तो बिना हटाए भी कर सकते थे। अरे रुक तो जाओ एक सेकंड, रुकोगे या नहीं रुकोगे? तो अब मैंने क्या बोला कि मेरे पास अब टोटल कैपेसिटेंस, टोटल सर ये आगे वाला आपने C क्यों लिया जबकि ये तो 1 गिवन है? ये वाला कह रही हूँ हाँ, ये 1 गिवन है, आपने नीचे जो अलग से बनाया उसमें C लिखा है। वंशिका ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये बार बार रिपीट होता जा रहा है और ये चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। तो मैंने उसको टोटल कैपेसिटेंस कितना मान लिया है, सी मान लिया है। तो इन्फानाइट के अंदर से अगर तुम एक हटा के रख भी लोगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, यही तो मैंने बोला था। अगर इन्फानाइट रुपीज है, एक रुपया निकाल दोगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो मैंने एक रुपया निकाल के रख लिया, ये दो रेजिस्टेंस मैंने निकाल के रख लिए, क्या कैपेसिटेंस। तो टोटल, अब तो टोटल इस पूरी सर्किट का कैपेसिटेंस कितना माना था मैंने इन्फानाइट का, सी। अब वो सी कैसे निकला होगा जरा कुछ सोचो, ये 2 और ये C आपस में पैरेलल में या सीरीज में, ये वाला और ये वाला सीरीज, सीरीज में। तो सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला लगाते हैं, डिवाइड वाला, टू इंटू में सी प्लस का 2 प्लस सी, राइट। और ये जो मेरे पास है, अच्छा ये इन दोनों का टोटल और ये 1, ये सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल सीरीज। अरे भाई इन दोनों का क्या है, पैरेलल में, पैरेलल है ना, डिवाइड हो रखा है ना, तो इसका मतलब पैरेलल में जो प्लस करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, राइट। अच्छा तो एक काम करो जरा, ये मेरे पास इधर आ गया 2c, अब ये मेरे पास कितना हो जाएगा, 2c प्लस का c का स्क्वायर, और ये भी मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 प्लस का c हो जाएगा, राइट। उधर चला गया ना ये, अरे समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब 2c से 2c कट गया, तो मेरे पास ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो इक्वेशन मेरे पास बनी c का स्क्वायर माइनस का c माइनस का 2 इज इक्वल टू 0, एम आई राइट? यस सर। तो फिर अब कर लोगे, c की वैल्यू निकल के आ जाएगी, नहीं आ जाएगी? आ गई कितनी आई है, 2, एक 2 आई है और एक माइनस 1 आई है। वेरी गुड, शाबाश। तो इस अब माइनस 2 तो हम लेके नहीं चलते हैं, तो कैपेसिटेंस का वाला पॉजिटिव में लेके चलते तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, राइट। तो कैपेसिटेंस नेगेटिव में नहीं होता है, तो इसलिए आंसर कितना माना जाएगा, 2 माना जाएगा। भाई ये इन्फानाइट का चल रहा था, मुझे सॉल्व करना था। तो इन्फानाइट का मान लो सी रेजिस्टेंस, सी कैपेसिटेंस है, तो मैंने एक को छोड़ के बाकी सबको सी मान रखा है, तो टोटल इज इक्वल टू जो मैंने एक छोड़ रखा था प्लस का सी। समझ आया मैंने किस तरीके से कराई क्वेश्चन? अरे भाई कुछ समझ में आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। रितेश, सृष्टि, हाँ सर, कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर, फिर से कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी। अच्छा नहीं, कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ सर, सर यही अप्लाई किया था, x स्क्वायर माइनस x माइनस 3 आ गया था। अरे मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ यार, एक को छोड़ के इस पूरे का सी मान लो, एक को छोड़ के फिर उसका सी मान लो, एक को हटा देते कुछ फर्क नहीं पड़ता, और फिर c इज इक्वल टू वही पैरेलल सीरीज लगा दो, ठीक है। कृति, यस सर, कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं सर। तो ये मैंने क्या करा, ये मैंने क्यों करा ऐसे, ये दो हिस्सों में क्यों बांटा इसको, ये वाला हिस्सा अलग कर दिया, ये वाला हिस्सा अलग कर दिया, क्यों? सर वो ले सकते हैं ना, इन्फिनिटी में से एक हटा दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, और फिर मैंने ये क्या कर दिया, मैंने टोटल भी सी ले रखा है और उसके अंदर सी भी कर दिया, ये क्या बात हुई? तो सर वहां पे आपने सी वो पूरी वो हटा के वो सी कर दिया ना थर्ड वाला। ठीक है चलो, ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया। चलो भाई एक लास्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन तो वैसे भी आंसर कराएंगे, मैं और नहीं करा रहा, ठीक है। चलो अब देखो, हमारे पास ये बोला जाता है कि मेरे पास जो कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटेंस के अंदर क्या होता है, मेरे पास एनर्जी स्टोर रहती है। तो अब एक कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर रहती है हमें वो निकालना है।
तो देखो अब एनर्जी स्टोर की अगर बात चली है तो यहाँ पे एनर्जी के मेरे पास तीन फॉर्मूले निकल के आते हैं, ठीक है। तो अब वो कैपेसिटेंस के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर रहती है, मान लो मेरे पास कोई भी एक कैपेसिटर है, अच्छा एनर्जी स्टोर का मतलब एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट, कैन आई से वर्क डन, यस, अरे भाई कैन आई से वर्क डन, तो इसका मतलब मैं अब कैपेसिटर के अंदर अगर एनर्जी निकालना चाहता हूँ कितनी एनर्जी स्टोर है तो इसका मतलब तो वर्क डन निकालना पड़ेगा। मान लो मैं कैपेसिटर को चार्ज कर रहा हूँ, तो अगर कैपेसिटर पहले डिस्चार्ज था, मैं चार्ज कर रहा हूँ, तो जितना ज्यादा मैं चार्ज करता जाऊंगा उतनी एनर्जी उसके अंदर स्टोर होती जाएगी, है मेरा राइट। जितना ज्यादा मैं उसके अंदर चार्ज करता जाऊंगा उतनी एनर्जी मैं स्टोर करता जाऊंगा। आर्यन नीचे क्यों नहीं आ रहा, अबे ओ चाचा एवरीवन पे है ये, वेरी गुड, मिलो मिलो आपस में मिलो, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ तक किसी दिक्कत तो नहीं है। अब हमें क्या करना है, जब वो कैपेसिटर रिचार्ज हो रहा होगा, उसके अंदर चार्ज भर रहा होगा, तो बताओ चार्ज की चार्ज उस प्लेट के ऊपर आता जा रहा होगा, राइट। तो चार्ज जब उस प्लेट पे आता जा रहा होगा तो उसी को करने में तो वर्क डन करना है। तो अब तुम्हें पता है, देखो हमेशा ध्यान रखना चाह रहे बच्चे, तुमने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है जो V होता है, V इज इक्वल टू W बाई Q होता है, एम राइट, सबने पढ़ रखा है ये, वर्क डन अपॉन चार्ज। यस सर, अरे भाई 10th क्लास में पढ़ा था ये, और मैंने सबसे पहले पोटेंशियल में यही तो करवाया था। चलो कुछ तुम सबको तो पता होना चाहिए। तो अगर मान लो एक छोटा सा चार्ज है, तो अगर मैं छोटे से चार्ज को मूव करना चाह रहा हूँ, छोटे से चार्ज के लिए छोटा सा वर्क डन होगा, राइट, छोटा सा वर्क डन, तो पोटेंशियल तो उतना ही रहता है प्लेट के ऊपर। तो अब वर्क तो चार्ज में कितना होगा, छोटा ही होगा, तो छोटे चार्ज के लिए छोटा वर्क डन कह सकता हूँ, कैन आई से दैट। तो सपोज अ डीक्यू चार्ज इज ट्रांसफर फ्रॉम प्लेट 1 to 2, अगर एक छोटे से स्टोर की बात चल रही है, मान लो एक प्लेट से दूसरे चार्ज, एक प्लेट से दूसरे प्लेट पे जाने के लिए एक छोटे से चार्ज को मैंने ट्रांसफर किया है, तो मान लो उसका जो वर्क डन होगा वो कितना है मेरे पास, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू वी डी क्यू। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या, एक छोटे से वर्क डन के लिए, एक छोटे से चार्ज के लिए छोटा सा वर्क डन। लेकिन मुझे बात कहो क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सीवी होता है, सबको पता है सर। अगर क्यू इज इक्वल टू सीवी होता है तो क्या मैं वी को क्यू अपॉन सी बोल सकता हूँ, यस सर। तो क्या मैं v की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर सकता हूँ, यस सर, डीड छोटा वर्क डन, तो ये हो जाएगा मेरे पास q अपॉन c dq। अच्छा तो मुझे वर्क डन सिर्फ छोटा ही निकालना है या उसे पूरा वर्क डन निकालना है टोटल चार्ज के लिए, टोटल चार्ज के लिए निकालना है सर। तो टोटल चार्ज के लिए निकालना है, उन्होंने छोटे के लिए निकालने तो क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन सर, तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अभी तो मैंने छोटे के लिए निकाला है, अब मुझे पूरे के लिए निकालना है। मान लो मैंने इसको कहां तक चार्ज किया, एक कैपिटल क्यू तक चार्ज किया मान लो, ठीक है। तो अभी मान लो मैं इसे पर्टिकुलर, पहले तो निकाल ही लेते हैं बिना उसके भी, तो अब मेरे पास, अच्छा तो किसी भी उसके लिए अगर मैं डी डब्ल्यू है मेरे पास, इंटीग्रेशन करूंगा तो डब्ल्यू आ जाएगा टोटल वर्क डन, यस सर। देखो 1/c तो कॉन्स्टेंट है, सी को बाहर निकाल लिया। अब इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्यू डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होता है, q square by 2, very good, तो q square by 2 हो जाएगा, right? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मेरा work done कितना निकल के आ गया, तो work done मेरा निकल के आ गया q square by 2c, am I right? Yes sir. तो q square by 2c मेरा निकल के आ गया, तो यही मेरे पास क्या होगा, एक तरह से can I say that work is always equal to energy, तो energy कितनी आ गई मेरे पास q square by 2c, any doubt in this? No sir. Yes everybody. बहुत इजी था ये तो, हाँ। लेकिन कुछ कुछ टीचर पता क्या करेंगे, तो कुछ कुछ टीचर देखो इसको इस तरीके से भी करवाते हैं, वो भी सही है वैसे। देखो DQ मान लो वो बोलते हैं बहुत छोटा चार्ज है, तो वो छोटे चार्ज को क्या मानते हैं, DQ मानते हैं, तो वो बोलते हैं इंटीग्रेशन अगर मैं करूंगा तो इंटीग्रेशन DW, तो मैं इंटीग्रेशन क्या कर रहा हूँ, जीरो से लेकर मैंने कैपिटल क्यू चार्ज तक उसे चार्ज किया, मतलब लिमिट्स लगा के, तो लिमिट्स लगा के करेंगे, तो देखो मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल क्यू अपॉन सी, और ये dq इंटीग्रेशन करना है मुझे जीरो से लेकर q तक, कैपिटल q तक, तो 1/c तो कांस्टेंट आ जाएगा। अच्छा q dq कितना होता है, q square by 2c, वही q square by 2, और क्या है मेरे पास अपर लिमिट, ये है मेरे पास लोअर लिमिट, तो क्या आएगा 1/c, सब देख पा रहे हो ना मैं क्या लिख रहा हूँ, सृष्टि विदोषी,
यस सर यस अपर लिमिट क्या आएगा क्यू स्क्वायर बाय 2 माइनस लोअर लिमिट क्या आएगा जीरो स्क्वायर बाय 2 तो तब भी तो मेरे पास यही आया क्यू स्क्वायर बाय 2 सी राइट तो चाहे तो लिमिट लगा के करो चाहे ऐसे करो वैसे लोग लिमिट लगा के ज्यादा करते हैं तो डिपेंड करता है तुम्हें कैसे करना है ठीक है तो दोनों ही लेकिन बिना लिमिट लगाए भी तो सही होगा हाँ बिना लिमिट लगाए भी करते हैं कुछ लोग बिल्कुल सही हमारे ऊपर है टीचर सही कर देगा ना हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है हाँ यहाँ पे काम करना प्लेट पे चार्ज रूल लगाना ये प्लस है ये नेगेटिव ठीक है तो चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए हमने यही करा है अच्छा मैंने क्या बोला था कि इसके कितने फॉर्मूले आते हैं कोई थे पहले तो भाई मैंने बोला था ना कि इसके कितने फॉर्मूले आते हैं तीन फॉर्मूले आते हैं लेकिन अभी हमने कितने फॉर्मूले निकाले अभी तक तो भाई अभी तक तो एक ही फॉर्मूला निकाला है राइट अच्छा हाँ ठीक है ये बता अभी तो एक ही फॉर्मूला निकाला ना एनर्जी का एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2 सी अच्छा सी का कोई क्यू अच्छा तुमको एक बात पता है क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है राइट तो अगर तुम इस एनर्जी के अंदर क्यू की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा सी स्क्वायर वी स्क्वायर वेरी गुड आर्यन सी स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन में 2 सी तो सी से सी कट जाएगा तो सी से सी कट जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर आ जाएगा क्या तो इसका मतलब एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर और एक फॉर्मूला मेरे पास ये आ गया क्या कोई और भी फॉर्मूला तरीका है मेरे पास बिल्कुल है देखो q इज इक्वल टू सी वी है तो q बाई वी क्या होगा c तो क्या मैं c की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर सकता हूँ फिर से करो एक बार तो एनर्जी इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर ये मेरे पास क्या बन जाएगा 2 q अपॉन में v तो q से q कट जाएगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा हाफ q इंटू में v आ जाएगा तो इसका मतलब एनर्जी के मेरे पास टोटल कितने फॉर्मूले आए सब लोग याद करें ये ऐसे क्या करके सब लोग बोलेंगे यस आ रहे हैं तीनों फॉर्मूले बोलो एक बार ये क्यू स्क्वायर बाय 2 सी और हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू इनटू वी यस सृष्टि खन्ना यस सर बोलो तीनों फॉर्मूले सर पहला फॉर्मूला है क्यू स्क्वायर बाय 2 सी सेकेंड फॉर्मूला सी वी स्क्वायर बाय 2 और थर्ड फॉर्मूला क्यू वी बाय 2 हाँ इसको ना देखो इस तरीके से ज्यादा याद रखो हाफ सी वी स्क्वायर हाफ क्यू वी क्यू वी सी वी स्क्वायर बाय 2 याद नहीं होता है तो हाफ सी वी स्क्वायर जल्दी याद होता है यस विदुषी ठीक है तो पहला है क्यू स्क्वायर अपॉन 2 सी और हाफ सी वी स्क्वायर और हाफ क्यू वी ठीक है भाई किसी कोई डाउट है इसके अंदर यस रितेश तरफदार वंशिका दीक्षा कृति गौरव नहीं सर अभिषेक सुकृति इशिका नो सर इशिका यस सर कोई डाउट है इसके अंदर नो सर ठीक है तो ये सब क्या हुआ मेरे पास तो ये सब हुआ मेरे पास एनर्जी स्टोर इन दी कैपेसिटर अब देखो अब मेरे पास आता है देखो अब मेरे पास आता है एनर्जी डेंसिटी तो अब अगर मैं बात करता हूँ एनर्जी डेंसिटी अच्छा डेंसिटी का मतलब क्या होता है सबको पता होगा एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होता है देखो डेंसिटी का मतलब होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम तो अब इसी तरीके से अगर मैं एनर्जी डेंसिटी की बात करता हूँ तो एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम अगर मैं करता हूँ तो उसी को मैं क्या बोलता हूँ एनर्जी डेंसिटी ठीक है तो मैंने क्या बोला है अगर मैं बोलूँ एनर्जी डेंसिटी तो उसी को हम क्या बोलते हैं एनर्जी मतलब एनर्जी डेंसिटी निकालना है तो एनर्जी अपॉन में वॉल्यूम तो वही मेरे पास क्या कहलाता है एनर्जी डेंसिटी तो अभी के लिए सारे बच्चे एक फॉर्मूला याद रखेंगे ऐसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो सारे के सारे बच्चे एनर्जी डेंसिटी की बात चल रही है तो एनर्जी डेंसिटी बोलेंगे हाफ एप्साइलन ई स्क्वायर सारे बच्चे बोले एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्साइलन ई स्क्वायर सब बच्चे बोलेंगे अरे भाई बोल क्यों नहीं रहे हो यस सर बोलो एक बार हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर सर चार्ज डेंसिटी इक्वल्स टू हाफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर चार्ज डेंसिटी नहीं है एनर्जी डेंसिटी बोला है भाई एनर्जी डेंसिटी हाँ सर एनर्जी डेंसिटी सर हमने एनर्जी डेंसिटी को भी वैक्यूम में लेके किया है हाँ हाँ वैक्यूम सब कुछ वैक्यूम को लेके ही कर रहे हैं ठीक है वैसे अभी नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे
अभी सिर्फ तुम्हें इतना ध्यान रखना है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं केमिस्ट्री क्लास के अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के, ठीक है सर? कितने बजे से होगी क्लास? आधे घंटे बाद, 8 बजे। आधे घंटे बाद? हाँ। देखना टीचर कहाँ से आया, दिखाओ दिखाओ, ये देखो चेरी काउंटी में घूम रहे लोग, घूमो घूमो एंजॉय करो, वेरी गुड, चलो ठीक है भाई, बाय 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 सर।